सलमकुम कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरत से होंगे सो so, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पालक विद चिकन सो so, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हमें चिकन को क्या है ना अच्छे से वॉश कर लेना है उसके बाद हम उसे बॉईल करेंगे बॉयल करने के लिए मैंने चिकन को पानी में डाल दिया है उसमें ऐड किया है मैंने एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून नमक और चार से पाँच गार्लिक के पीसेस इसे हम पंद्रह से बीस मिनट तक कम से कम बॉयल करेंगे अच्छे से सो so, जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा हम चिकन को रिमूव कर लेंगे सो so, जब चिकन रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है हम एक पैन लेंगे उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि चिकन जो है उसे हमें थोड़ा डीप फ्राई कर लेना है जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो चिकन को भी हम रिमूव कर लेंगे उसके बाद हम एक पैन लेंगे उसमें ऐड करेंगे हम सेम ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था अब ऑयल थोड़ा कम हमें लेना है सो तो ऑयल गरम होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे दो मीडियम साइज़ कटे हुए ऑनियंस सो तो ऑनियंस को हमें तब तक पका लेना है जब तक ना ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सो तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पालक पालक ऐड करने से पहले हमें पालक को दो से तीन बार अच्छे से वॉश कर लेना है सो so उसके बाद जो पालक है ना वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर कर देती है सो so जब ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर लेगी उसके बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक ढक के पका लेना है ताकि जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए सो so पानी हल्का हल्का ड्राई हो गया है आफ्टर टू थ्री मिनट्स तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फिर से थोड़ा स्टर करेंगे उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे सो so, इसमें ऐड किया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर एक टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून सौंफ पाउडर ऐड करेंगे और एक टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राइड चिकन को और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो so, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसे थोड़ी देर तीन से चार मिनट तक ढक के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना उनका फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए सो so, उसके बाद हम हमें इसे चेक कर लेना है सो so, पानी हो ड्राई हो गया है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेम जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था वो पानी सो so, पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसे ढक के पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे अबाउट थ्री टू फोर मिनट्स जब तक ना पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा सो so, जब पानी हल्का सा ड्राई हुआ होगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और नमक हमें थोड़ा कम इसमें ऐड कर लेना है क्योंकि पहले भी नमक हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था सो हमारा जो पालक और चिकन है वो हो गया है रेडी आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग